द कश्मीर फाइल फिल्म आई और उसमें कश्मीरी पंडित पर हुए अत्याचार को दिखाया गया। आज हमारे साथ में सरदार जी हैं और सबसे बड़ी बात है कि सरदार जी झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं। आपको पेंशन मिलती है कि नहीं? नहीं, पेंशन नहीं मिलता। बोला पैसा बहुत है। अच्छा, पैसा बहुत है? हाँ। वो आर्मी लोग बोलता है। आर्मी लोग बोला? इस ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, और बोले। अच्छा, द कश्मीर फाइल आई, उसमें कश्मीर के पंडितों का दुख दर्द दिखाया गया, उसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही? उसमें तकलीफ है कि पंजाबी भी उसमें मारा है और इसको इंडिया का मुसलमान लोग नहीं मारा, इसको पाकिस्तान का आतंकवादी लोग मारा। 35 सरदार जी को मार दिया लाइन से खड़ा करके, उसका फोटो सब सरदार जी लोगों लगा हुआ कश्मीर गुरुद्वारा में, आज भी वहाँ मौजूद है। और दूसरा अपील है ये भी है हमारा कि हम लोग का जो प्रधानमंत्री है खाली वहाँ भाई लूट रहा है कश्मीर का ऊपर में, ये भी अधूरा बना हुआ, सच्चाई पूरा दिखाया नहीं है। और ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जहाँ मोदी जी झंडा फहरा रहा था वो वाला सीन दिखाया नहीं है। और आतंकवादी लोग जो पाकिस्तान से आके इंडिया का मुस्लिम को, इंडिया का पंजाबी को जो मारता रहा, उसको ये बढ़िया से दर्शाया नहीं है। ये फिल्म पूरा अधूरा है, ठीक है। और आपका नाम पाजी? हरदेव सिंह मानगो। हरदेव सिंह मानगो, जमशेदपुर से। बड़ा आरोप आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि द कश्मीर फाइल में सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को दिखाया गया, जबकि वहां पर कितने 35 आदमी को लाइन से खड़ा करके गोली से भून दिया गया। 35 पंजाबी को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी। वहां आज भी फोटो लगा हुआ, कोई भी जाकर देख सकता है। वो लोगों को कोई मुआवजा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं मिला। और हम लोग का जो गुरुद्वारा कमेटी है खाली बेटा लंगर में परेशान रहता है, कौन सब सरदार अमीर नहीं है, कुछ का आर्थिक स्थिति भी खराब है, वो लोग ऊपर में लोग का ध्यान नहीं है। एक बात सरदार जी, एक मिनट, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि सरदार जी लोग भी वहाँ से पलायन किए, मुस्लिम लोग भी पलायन किए कि नहीं किए, कि सिर्फ कश्मीर पंडित पलायन किए? सरदार जी को बहुत संख्या में था, 1 लाख से ज़्यादा था, सब पलायन किया, हर एरिया में आया हुआ, मगर उसको नहीं दिखाया जाता, उसको छिपाया जाता है। वो तो हम लोग का पास में 1984 का जो अटैक हुआ, इसके ऊपर भी फिल्म बनना चाहिए। हमारा मोदी से और अमित शाह गृह मंत्री से हमारा अपील है कि संत अमृतसर दरबार के ऊपर जो अटैक हुआ, वहाँ भी महापाप हुआ, उसके ऊपर भी फिल्म बनना चाहिए। बहुत सा पंजाबी पैसा वाला काहे नहीं आवाज़ उठाता, काहे नहीं फिल्म बनाता, क्यों मरा हुआ, क्यों नपुंसक है? ये बहुत शर्म का बात है। खाली ये बेटा लोग पंजाबी लोग से लंगर का पैसा लेता है, लंगर लुटाता है। बहुत सा सरदार जी का आर्थिक स्थिति खराब है। ग्रामीण टीवी में जो बॉम्बे के डायरेक्टर हैं, उन लोगों को आप अपील कीजिए ना। वो लोग को भी अपील किया, पूरा हिंदुस्तान का डायरेक्टर को हम अपील कर रहे हैं कि 1984 के ऊपर में दरबार साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, कौन किया, कौन इसका महादाता था, उसके ऊपर में फिल्म बनना चाहिए। या कोई भी माई का लाल उसके ऊपर में करे, हकीकत करे कि किसका दोष है, कहाँ से वाला केजरीवाल है, ये बीजेपी का दलाल है। हाँ, इसको जैसा सही हकीकत दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखा रहा, समझे? हाँ, ये नहीं दिखा, इसमें बहुत कमी है, ये फिल्म बेकार है। हम लोग का सरदार जी जो आतंकवादी लोग जो पाकिस्तान से आया था, वो मुस्लिम को भी मारा, पंजाबी को भी मारा, उसको क्यों नहीं दिखाए? लेकिन इंडिया के मुस्लिम लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उनको संरक्षण दिया। हाँ, तो वो लोग का भी घर बर्बाद हुआ, वो लोग भी गोली खाया, वो लोग कौन सा बच गया, उसको नहीं दिखाया। खाली पंडित को लोग दिखाया बेटा अवार्ड लेने के चक्कर में, खाली हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में। ये देखा जाए कि कश्मीरी पंडित आज जो पलायन हुए, इसको दिखाया जाता है, इनके दुख दर्द को दिखाया जाता है, लेकिन कश्मीरी पंडित कैसे घर वापसी करे, ये किसी भी सरकार ने आज तक कदम नहीं उठाया। ये बड़ी दुखद बात है। ये प्रोपेगेंडा करके जो है कि राजनीतिक गलियारों में चमकाना, आज सरकार से हेमंत सरकार तो बता दिए कि ये कहीं ना कहीं RSS के गुंडे जो हैं कि हॉल पे घुस के जब पिक्चर ख़त्म होती है तो वहाँ पे नारेबाजी करते हैं। ये तो भैया फिल्म अधूरा है, ठीक है। ये तो हेमंत सरकार का सपोर्ट करते हैं आप? अरे हम लोग गुरु जी का चेला है, हेमंत सोरेन का नहीं है। अच्छा। हम हेमंत सोरेन गुरु जी का आदमी है। 89 से हम लोग आंदोलन कर रही है, अलग राज का लड़ाई। गांजा पी के बेटा सिनेमा हॉल में घुस जाता है, ये लोग बुलबुली सिटी मारता है, ठीक है। इसका तो हम बोल भी करेंगे, अगर हेमंत जी बोले अच्छा बात है, कोई बुरा बात नहीं है। तो चलिए, ये थे हमारे सरदार जी, और अपनी राय रखें द कश्मीर फाइल पर। आप लोग अपना राय विचार जरूर रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सरदार जी का दर्द है जो आज उमड़ गया, और इसके दर्द को
आज जो बॉम्बे में बैठे डायरेक्टर हैं और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो डायरेक्टर प्रोपगेंडा चलाने की कोशिश किए, दूसरे डायरेक्टर कम से कम हकीकत दिखाने का काम करें। जय झारखंड, जय भारत।